तो हमने बात कर लिया था कि प्रेशर क्या है तो जनरल टर्म में इन अ मैथमेटिकल फोर्स अपॉन ऑन एरिया इट डिपेंड अपॉन द टू फैक्टर फोर्स अप्लाइड एंड द एरिया ऑफ द सो एरिया ऑफ द सर्फेस इज लेस प्रेशर इज लार्ज इसको दो एग्जाम्पल्स से मैंने क्लासिफाइड इन द फ्लूड इन द फ्लूड वी कैन से दैट दैट इज कॉल्ड द लिक्विड हाइड्रोलिक जो एक स्टेट एक कंटेनर में फ्लूड भरा है तो उसका क्या होगा उसका uh, आपकी स्पेसिफिक वेट दैट इज कॉल्ड रो जी और कितने हाइट तक वो भरा हुआ है उसका उस हाइट के हिसाब से भी पैरामीटर तो प्रेशर इज इक्वल टू रो इंटू जी इंटू एच ये हमने एक कहानी यहां पर निकाली फिर मैंने बात की कि वो कितने तरह के हो सकते हैं जरा इसको चीज को समझिएगा मैंने कहा इसको फिर से एक बार लॉजिक समझिए मैंने कहा कि किसी प्रेशर को मुझे मुझे ए का प्रेशर मेजर करना है मैंने कहा दो पॉइंट है एक ए है और एक बी है जरा आपको क्लियर से दिख रहा होगा ए का प्रेशर और बी का प्रेशर मुझे मेजर करना है तो ए का प्रेशर मैं किसी रेफरेंस से मेजर करूंगा वो रेफरेंस होगा वैक्यूम जरा मेरी बात को समझिएगा वो किसी रेफरेंस से किसी का प्रेशर जब मेजर किया जाता है वो एब्सोल्यूट प्रेशर हो जाता है मैंने कहा ए बिंदु का प्रेशर बताइए सो so, प्रेशर मेजर विद द रेफरेंस एंड रेफरेंस इज अ वैक्यूम सो so, द प्रेशर इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर सो इट इज अ टाइप ऑफ प्रेशर विच टेक वैक्यूम एज द रेफरेंस हमने रेफरेंस से ए का प्रेशर नापा तो ये इसका एब्सोल्यूट प्रेशर है ये इसका क्या है एब्सोल्यूट प्रेशर है जब मैंने बी का नापा उसी रिफरेंस से बी का प्रेशर बताया तो वो मेरा क्या है वैल्यू अकॉर्डिंग टू द लोकेशन लोकेशन के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है डिफर हो जाता है मॉलिक्यूल्स क्योंकि मॉलिक्यूल्स चेंज कर जाते हैं अब यहां दूसरी बात आए कि एक तो हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर अब कहीं ना कहीं एटमोस्फेयर भी है एटमोस्फेयर का प्रेशर तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हम लोग ने बनाया है सो so, हमने कहा कि वेट ऑफ द ऑल द मॉलिक्यूल्स जहां एटमोस्फेयर हमारा प्रेशर लग रहा है एक तो रिफरेंस कहीं से मेजर किया जा रहा है एक एटमोस्फेरिक प्रेशर है ब्रह्मांड का सो so, एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारा ये हो गया अब ये देखिए स्वाभाविक बात है कभी कभी जिसका प्रेशर मेजर करेंगे शायद वो एटमोस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो और कभी कभी किसी चीज का प्रेशर मेजर करेंगे वो एटमोस्फिर प्रेशर से नीचे भी हो सकता है लेकिन दोनों कहे जाएंगे एप्सुल्यूट प्रेशर जरा मेरी बात को ध्यान से दीजिएगा जैसे मैं ए बिंदु की बात करूं एटमोस्फ्रिक प्रेशर के ऊपर है ये तो ये तो पॉजिटिव है और जरा मैं बी बिंदु की बात करूं तो ए भी एब्सोल्यूट प्रेशर कहा गया है लेकिन ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे है जरा इन दो बात को ध्यान रखिएगा तो पहला प्रेशर क्या हो गया एब्सोल्यूट प्रेशर जिसका मतलब है कि, कि किसी किसी चीज का हमें प्रेशर बताना हो किसी के रेफरेंस करके और रेफरेंस क्या होगा वैक्यूम होगा वो हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर होता है अब क्या है एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज समाइम विच इज मेजर बाय द बैरोमेट्रिक एंड इट इज द प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज कॉल्ड द एटमोस्फेरिक प्रेशर सो डिफरेंस है मान लीजिए एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो सॉरी एप्सोल्यूट प्रेशर मेरा ज्यादा है तो एप्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमोसफिर प्रेशर का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है गेज प्रेशर मेरी बात को समझ पा रहे हैं वो कहलाता है गेज प्रेशर सो गेज प्रेशर ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी ये दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव जब ये भाई absolute, जब हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर ज्यादा है एटमोस्फिर प्रेशर से तो स्वाभाविक बात है हमारा पॉजिटिव आएगा सो गेज प्रेशर इज ऑलवेज एज अ रिलेटिव प्रेशर एंड जब हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है इस तरह के प्रेशर को हम कहते हैं ओवर प्रेशर और गेज प्रेशर का ही दूसरा नाम है कॉल्ड ओवर प्रेशर जब हमारा प्रेशर कम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मतलब पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी एब्सोल्यूट तब इस तरह के प्रेशर को हम कहते हैं वैक्म प्रेशर क्या कहते हैं वैकम प्रेशर सो दिस इज दी द कंसेप्ट ऑफ कितने प्रेशर हो गए एक एब्सोल्यूट प्रेशर दूसरा गेज प्रेशर तीसरा एटमोस्फ्रिक प्रेशर एटमोस्फरिक प्रेशर एटमोस्फरिक प्रेशर चौथा हो गया हमारा वैक्म प्रेशर वैक्म प्रेशर मतलब जिस में ओवर प्रेशर जिसको अंडर प्रेशर कहते हैं और टोटल प्रेशर कितना होगा किसी बॉडी पे तो टोटल प्रेशर एटमोस्फियर प्लस उस पर लगने वाला रो जी एच मतलब मैं कहूं कि जरा इस इस कंटेनर में लिक्विड भरी हुई है ये और इस पर टोटल प्रेशर क्या हुआ तो एक तो लिक्विड का प्रेशर लिक्विड का प्रेशर क्या होगा रो इंटू जी इंटू एच और एक प्रेशर एटमोस्फेर भी तो प्रेशर देगा तो टोटल प्रेशर इज कॉल्ड एटमोस्फरिक प्रेशर प्लस इस फ्लूड का प्रेशर दैट इज कॉल्ड रो इंटू जी इंटू एच दिस इज कॉल्ड टोटल प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड क्लियर हो गया कंसेप्ट सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द पास्कल लॉ व्हाट इज द पास्कल लॉ सो प्लीज केयरफुली वॉच दिस वीडियो एंड वन बाय वन टू क्लियर द कंसेप्ट आपको अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज लाइक करिए शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए थैंक यू